जो सेज का एपोथेक्री जो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ऐसा क्या है, उसका खास क्या है, इसके अंदर बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। पहला तो इसके अंदर लिखा है प्योरीफाइड वाटर। प्योरीफाइड वाटर जो क्या करता है, वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको पेनेट्रेट कराता है इन स्किन के अंदर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा उसको डिलीवर करने की और इंटेंडेड द बेनिफिट्स, मतलब जो उसके बेनिफिट्स होते हैं उसको देने की, जो इस मॉइस्चराइजर के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे स्किन को पूरी तरीके से पेनेट्रेट करा देता है हमारे स्किन के अंदर, जो इसके अंदर जो कंटेंट है उसके लिए यूज़ होता है प्योरीफाइड वाटर। दूसरा है ग्लिसरीन कैप्रोलिच, ये जो है लॉक करता है मॉइस्चराइज को, जो मॉइस्चर इसके अंदर दिया हुआ है जो स्किन के अंदर लॉक करता है विदाउट एनी ऑयली एंड ग्रेसी रिजल्ट, मतलब जो इसके अंदर जो ग्लिसरीन का यूज़ हुआ है, इस ग्लिसरीन का जो ये हॉर्मोन है ये बेसिकली क्या करता है कि ये किसी भी तरह के जो प्रोडक्ट के अंदर जो भी जो रिजल्ट होते हैं ऑयली और ग्रीसी नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन ना तो ऑयली होती है ना ही ग्रीसी होती है, इसका यही कारण है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज हुआ है उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। आप तीसरी की बात करते हैं, इसके अंदर पड़ा है कैप्रिक ट्राइलास्ट्राइड, ये एक तरीके का मॉइस्चर को जो कंटेंट को बढ़ाता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट करने के लिए काम में आता है। अब इसके बाद में आता है सिया बटर। सिया बटर बेसिकली ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से जितना भी हमारे स्किन में रेडनेस, स्वेलिंग या फिर एंटी एजिंग के जो कंसर्न होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जैसे आपकी स्किन में कोई भी ऐसा स्वेलिंग आती है किसी प्रोडक्ट को लगाने के बाद जैसे बढ़ते जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिया बटर मिक्स है। अब इसके बाद में आता है मैंगो बटर। मैंने पहली बार सुना है बेसिकली, ये मुझे आज तक कभी मैंने सुना नहीं था कि ये मैंगो बटर होता क्या है। बेसिकली जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंगो बटर बेसिकली ये हीलिंग और जो हमारे रीजनरेट करता है हमारी स्किन की जो स्किन डैमेज हो जाती है सन के प्रोटेक्ट में, मतलब सन के आने से, ये तो कि इस तरीके से SPF मान सकते हैं उसे नेचुरल, क्योंकि इसके अंदर जो मैंगो बटर डाला हुआ है, मैंगो बटर का मेन काम होता है सन से जो डैमेज होता है उससे बचाता है और हमारी जितनी भी स्किन डैमेज हो गई है उसको हील करता है और रीजनरेट करता है। दूसरा अब इसके अंदर अगला है, इसके अंदर मिला हुआ है ये कैटोस्ट्रेली, एक तरीके का ये वैक्स, मतलब एक तरीके का एक मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसकी वजह से स्किन में सॉफ्टनेस और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, हाइड्रेट रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो स्किन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक स्टे करने के लिए काम में आता है। तीसरी चीज़ अब इसके अंदर अगला है एल्कोहल, जो इसके अंदर एल्कोहल यूज होता है वो होता है वैक्स एल्कोहल। वैक्स एल्कोहल का मतलब होता है जो हमारे प्रोडक्ट को जो हम कभी भी स्किन पे लगाते हैं तो ये इमल्सीफायर में काम करता है और हमारे जो क्रीम है जिसकी जो थिकनेस आप देख रहे हैं, जो आप ये अगर इसको निकाला जाए तो जैसे ही देख रहे हो ये जो स्किन के अंदर अच्छे से ये अंदर आसानी से पेनेट्रेट होगा, तो इसका मतलब होता है कि ये एक अच्छा एब्जॉर्बर है और साथ ही साथ स्किन के अंदर जितनी भी हमारी जो इंग्रीडियंट है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। और इसके बाद इसके अंदर आता है सिट्रिक एसिड। बेसिकली आप सभी को पता है सिट्रिक एसिड हाइड्रेटिंग और स्किन को काफ़ी देर तक लॉन्गर मॉइस्चराइज और हाइड्रेट बनाने में काम आता है। और इसके बाद में इसके अंदर है आलमंड ऑयल्स, अब इसके अंदर आ गया स्वीट आलमंड ऑयल। के अंदर विटामिन ई होता है जो कि रिपेयर करता है स्किन को और डैमेज से बचाता है। और इसके अंदर नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल जो है वो हमारे इसमें भी विटामिन ई होता है जो स्किन को स्मूथ करता है और आपकी जो स्किन को नॉन इरिटेटिंग बनाता है। साथ में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित होता है जब हम किसी मॉइस्चराइजर में इसको एड ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, ये है हमारा आइसोप्रोपाइल मिस्टेरेट। ये बेसिकली आपके जो वाटर को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर, जो ड्राई स्किन जो किसी के लिए होती है तो ड्राई स्किन के लिए भी काम आता है और साथ साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाने में काम करता है। और ये आपकी स्किन को जितना ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, होल्ड करेगा, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और जो इसके अंदर जो आप हमने पहले बात की थी ये ग्लाइकरॉल मोनोसिट्रेट जो होता है, ये एक तरीके का होल्डर है जो कि पानी को और मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। सॉर्बिटेट सॉर्बिटॉल सॉर्बिटॉल जो होता है वो हमारी स्किन को
लाइट वेट बनाता है और साथ साथ ये सेंसिटिव स्किन के लिए ही यूज होता है। तो यानी कि इसमें ये आपकी ड्राई स्किन के लिए भी हो गया, सेंसिटिव स्किन के लिए भी और ऑयली स्किन के लिए, तो ये तीनों स्किन के टाइप के लिए होता है। अब इसके बाद जो कंटेंट आता है इसके अंदर है विटामिन B5। विटामिन B5 जो है वो आपके जो प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर विटामिन ई जो आपको आपको लगा है कि विटामिन B5 है जो हमारी स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एडवाइजरी के तौर पे, और ये हमारे जितनी भी रैसेस और जो इरिटेशन होती है उसको कम करता है और हमारी स्किन को सॉफ्टर बनाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। इसके अंदर जो जो भी प्रोडक्ट जो B5 है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें EDTA एक है, वो दूसरी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को जो इन्हेंसर करता है, जो कि इसके अंदर जो जितने भी प्रॉपर्टीज जो डाली गई हैं प्रोडक्ट के अंदर उसको इन्हेंस करता है और उसको काफ़ी देर तक होल्ड करने में काम करता है। इसका काम है ETTA का। ये जो EDTA जो है वो अपने जितने भी जो आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूरा देख चुके हैं उनको काफ़ी देर तक होल्ड करता है और साथ ही साथ अदर इंग्रेडिएंट्स को इन्हेंसर के तौर पे काम में आता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है ये पिंक लोटस जो फ्लावर एक्सट्रैक्ट। ये जो पिंक लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट होता है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि स्किन को डैमेज होने से बचाता है, साथ साथ स्किन को बैलेंस करता है और एक्ने फ्री बनाता है। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटल इसके अंदर बहुत से और इंग्रेडिएंट हैं जिनके जो मेन इंग्रेडिएंट के बारे में हमने बात कर ली है। तकरीबन 225 रुपये का आता है और ये 100 ml की बॉटल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 महीना, और सर्दियों में अगर आप इसे बॉडी पे भी लगाते हैं तो तकरीबन 15 दिन चल जाती है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये सेज का। अगर आपको ये प्रोडक्ट सूट करे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है ये कभी ऑयली और ग्रीसी नहीं होता है, कभी भी आपके स्किन में कभी ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस नहीं दिखाता। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का और इस प्रोडक्ट का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगर कोई प्रोडक्ट के रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और हम उसके बाद में इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो बना के दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।